राधे राधे फ्रेंड, कैसे हैं आप? कान्हा जी कृपा से आप सब ठीक ही होंगे। अगर आप मेरी वीडियो पर नई है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर अवश्य करें। तो आज मैं शेयर करूंगी हरतालिका तीज की पूजा विधि। तो सबसे पहले आप चौकी लगा लें और चौकी लगाने के बाद रेड कलर का कपड़ा बिछा लें उस पर। उसके आप एक दिन पहले मेहंदी लगा लें और आप अच्छे से तैयार हो जाएं। तो हम सबसे पहले माँ गौरी और भगवान शिव जी और गणेश जी को स्थापित करेंगे। ये आप घर पे बना सकते हैं, मैंने तो घर पे ही बनाए हैं। और अगर आप नहीं बना सकते तो एक ऐसे मिट्टी के पिंडी के रूप में आप बना सकते हैं। नहीं है तो आप शंकर जी की और माता पार्वती गणेश जी की कोई चित्र लगा सकते हैं या फोटो लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम बनाएंगे कलश की स्थापना करने के लिए अष्टदल कमल बनाना है। आपको बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं बन पाए तो आप सिर्फ ऐसे अच्छत रख के कलश की स्थापना कर लें। तो कलश हमें तांबे का, मिट्टी का या पीतल का लेना है, स्टील का कलश हमें नहीं लेना है। इस कलश में मैंने गंगा जल डाल लिया है। इसके बाद आप इसमें हल्दी की इस तरह की गांठ डालेंगे। इसके बाद एक सिक्का डालेंगे, इसके बाद एक सुपारी डालेंगे और इसके बाद एक फूल डालेंगे। इस तरीके से हम अपना कलश यहाँ पर स्थापित कर देंगे। फिर आप अशोक के या किसी भी, मैंने आपको बताया था अशोक के, आम के या फिर पान के पत्ते ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ अशोक के हैं तो मैंने अशोक के 5 पत्ते लिए हैं। पहले इन पर टीका कर लेंगे, देखो इस तरीके से रोली से, हल्दी से, चंदन से, सबसे हम इन पर टीका करेंगे। आपको भगवान शिव जी और माता गौरा पार्वती के आगे संकल्प करना है कि मैं आपका व्रत करना चाहती हूँ और आप व्रत करें। तो इस तरीके से मैं प्लस तो ये 5 पत्ते लगा दूंगी। हरताल का तीज में आप चाहे तो इस तरीके से नारियल को ऐसे इस पे चावल का पात्र इस तरीके से हम कलश पे लगा देंगे इस तरीके से। फिर हम नारियल को अगर रखेंगे तो हम नारियल को अपना इसका मुंह हमारी तरफ होना चाहिए, तब कलश की स्थापना करेंगे। वैसे तो 2 दीपक की बाती का कलश दीप स्थापित किया जाता है, तो मैं यहाँ पे 2 बाती वाला दीपक स्थापित करूंगी। अब हमने इस सारी चीजें स्थापित कर ली है, अब मैं पूजा विधि शुरू करती हूँ। इसके बाद हम दिया प्रज्वलित कर लेंगे। ये मैंने दिया प्रज्वलित कर लिया है। इसके बाद हम सबको हल्के हल्के पानी, मिट्टी की मूर्तियां हैं तो गल ये मिट्टी ढह जाएगी, इसलिए हम बहुत हल्का सा पानी से स्नान कराएंगे इस तरीके से। फिर इसके बाद हम पंचामृत स्नान कराएंगे। फिर इसके बाद हम शुद्ध जल से फिर से स्नान कराएंगे। तो हमें याद रखिए 3 बार स्नान कराना है। इसके बाद हम माँ गौरा को इस तरीके से चुन्नी उड़ा देंगे, माँ गौरा का रोली से टीका करेंगे, गणेश जी का करेंगे और शिव जी का, आपको पता रोली का टीका नहीं होता इसलिए मैं चंदन से करूंगी। और कलश पे हम सुवास्तिक बना देंगे। ये कलश पे मैंने सुवास्तिक बना दिया है।
इसके बाद हम माँ गौरा का श्रृंगार करेंगे। मैंने श्रृंगार कर लिया, आप सारी चीजें माँ गौरा को इस तरीके से 16 श्रृंगार करें माँ गौरा का इस तरीके से। इसके बाद हम सबके चावल लगाएंगे, जैसे टीका करते हैं उसके बाद चावल लगाते हैं, इसी तरीके से हम सबको चावल लगाएंगे। इसके बाद हम भगवान गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे, भगवान शिव जी को जनेऊ समर्पित करेंगे। बस इस इसके बाद हम सभी को गणेश जी को, माता पार्वती को और भगवान शिव जी को बेलपत्र समर्पित करेंगे। शिव जी को हम मदार के ये फूल समर्पित करेंगे और गणेश जी को धूप घास समर्पित करेंगे। सभी को पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद माता को सुहाग का सामान हम सब लगाएंगे, जैसे मेहंदी काजल सब लगाएंगे, मैंने आपको बताया था अभी। और ये मेहंदी इस तरीके से लगाने के बाद आप अपने हाथ पे थोड़ी सी मेहंदी लगा लें, इस तरीके से काजल सब चीज अर्पित समर्पित करेंगे। और ये कपड़े भगवान शिव जी के और माता गौरी माँ के ये कपड़े समर्पित करेंगे। और ये नारियल समर्पित करेंगे हम। हड़ताल का तीज का व्रत है तो हमें तीन फल तो भगवान माँ गौरा का और भगवान शिव जी का तीन फल तो इसमें होते ही होते हैं, और आप चाहें जितने फल ले सकते हैं। तो ये मैं फल समर्पित करूँगी इस तरीके से। और हड़ताल का तीज में आटे की से बने हुए मीठे पुए या फिर पूड़ी, कुछ भी मीठी चीज़ का आटे से बनी होनी चाहिए हलवा, उसको आप समर्पित करें। भगवान शिव का सफ़ेद चीज़ का भोग लगता है तो ये मैंने बता से लिए। और ये कच्चे चने लें, हड़ताल का तीज में कच्चे चने का भोग लगता है। इसके बाद श्रृंगार का सामान करने के बाद हम दक्षिणा रखेंगे। मैं यहाँ दक्षिणा रखूँगी। इसके बाद हम हाथ में इस तरीके से अक्षत लेकर और एक पुष्प लेकर कथा सुनेंगे। ये बाद हम इस तरीके से कथा पूरी होने के बाद माँ गौरा को इस तरीके से समर्पित कर देंगे और हाथ जोड़ के प्रार्थना क्षमा याचना करेंगे, गलती हो तो माफ भी करें। और इसके बाद हम कपूर से या फिर दिए से आरती करेंगे। तो ये मेरी हड़ताल का तीज की पूजा विधि है। आपको मेरी पूजा विधि कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। राधे राधे।